यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो डैन ऑफ सोशल साइंसेज डॉक्टर हमादुल्ला काकेप्टिव की ज़ेर सदारत शोबे मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के ऑडिटोरियम में मौसमियाती तब्दीली के मुतल्लिक शऊर बेदार करने में डिजिटल मीडिया के किरदार पर पीएचडी का एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में अपनी तहकीक पेश करते हुए पीएचडी स्कॉलर अली अकबर हंगोरजो ने कहा कि सिंध में मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में शऊर उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। माहौलियाती मसाइल के मुतल्लिक शऊर बेदार करने के रवायती तरीकों के साथ आज एक दौर में डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसके लिए माहौलियाती शऊर के लिए काम करने वाले सहाफ़ियों, हकूमती और गैर सरकारी अदारों को जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाना होगी जिसमें डिजिटल मीडिया अहम है। आवाम तक माहौलियाती साइंस की मालूमात को आम फहम में पहुंचाने की ज़रूरत है। इस हवाले से माहौलियाती महक्कीन का एक अहम किरदार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया भर में माहौलियाती आगाही बढ़ाने के लिए डिजिटल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉग जर्नलिज़म वगैरह का कामयाबी से इस्तेमाल किया जा रहा है और सिंध में मौसमियाती तब्दीलियों के मुतल्लिक शऊर बेदार करने के लिए डिजिटल मीडिया के साइंसी बुनियादों पर इस्तेमाल से सिंध में मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए आवाम की राय हमवार की जा सकती है और सूबे भर में पायदार तरक्की की बुनियाद रखी जा सकती है। सेमिनार में सिंध यूनिवर्सिटी के मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के चेयरमैन डॉक्टर जुल्फ़िकार अली, सुपरवाइज़र डॉक्टर बशीर अहमद मेमन, डॉक्टर मोहम्मद कासिम निज़ामानी, डॉक्टर अहमद अली ब्रोही, डॉक्टर नेमतुल्ला शाह, डॉक्टर सोजो मिल, डॉक्टर शहाब मुगल, डॉक्टर खालिद हुसैन लगारी, डॉक्टर यूनस लगारी, डॉक्टर अमानुल्ला महर, माशूक ख्वाजा, ग़ुलाम अली मेमन, आबिद सोलंगी, मुजीबुर रहमान, शेख मुजीब जमाली, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंसेज और दीगर शोबों के असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की।